मेरे को माता जी के पास लेके आए हैं। सबका बोला तो अपना बोला, जय माता जी, जय माता दी, जय माता। सबका बोला तो अपना बोला। देख सकते हैं मेरे माता जी तिलक लगा दिए हैं और साथ ही साथ माता जी भी तिलक मेरे को लगा रहे हैं। मैं कल वीडियो लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज मैं जरीमरी टेम्पल्स में आया हूँ, जरीमरी माता टेम्पल्स में, जहाँ पे आज उद्घाटन किया गया है मंदिर का, और वह सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। और आज माता जी के टेम्पल्स में जाने वाला हूँ, जहाँ पे हमारे दिलीप मामा आने वाले हैं और शायद हो सकता है आके चले भी गए रहेंगे। और इसके वजह से गाइस मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट एंट्री करने वाला हूँ, जहाँ पे आज जरीमरी माता टेम्पल्स का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। दिलीप मामा यहाँ पे आए हैं और देखते हैं अगर दिलीप मामा यहाँ पे रहेंगे तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को सभी लोगों को दिखाऊँगा। और बारिश के बारे में बताना चाहता हूँ गाइस, बारिश दो तीन दिन से बहुत बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से बहुत ही मुंबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे पानी भर चुका है। जिस तरह कुर्ला, वासी, अंधेरी और दादर, इस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। लेकिन चलते हैं गाइस, आज हमारे यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का जो टेम्पल्स है, जरीमरी माता जी टेम्पल्स कहा जाता है, आज इनका उद्घाटन किया गया है। और वहाँ पे सभी चीज़ें आप लोगों को विस्तार से इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ आ चुका हुआ और आपको ऑडियो का आवाज़ आता रहेगा। और चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं गाइस बरसात के मौसम में यहाँ पे जस्ट मंदिर का यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव। और चलते हैं। यहाँ पे मैं मंदिर के अंदर विजिट कर चुका हूँ, जो कि आज उद्घाटन है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को मंदिर का मैं अंदर सभी जो जरीमरी माता टेम्पल्स है उनको मैं आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा। यहाँ पे दिलीप मामा आए हैं कि चले गए हैं? चले गए हैं। हेलो। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं जरीमरी माता मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे चलेंगे सभी चीज़ें, यहाँ के रहवासी लोग हैं जो कि लड़के लोग, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। और साथ ही साथ में चलेंगे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर चलेंगे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपको यह पेड़ दिख रहा है, जो पीपल का पेड़, यहाँ के जस्ट पीपल के नीचे यहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ पे शिव जी का यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। और अंदर माता जरीमरी माता जी का वहाँ पे मंदिर है, आपको दिखा सकता हूँ। और आज ही उद्घाटन है यहाँ पे। और यहाँ पे मामा आके गए, जिसका नाम है दिलीप मामा, और यहाँ पे मामा आके गए हैं। और सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ के रहवासी लोग हैं सभी लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छतरी वगैरह भी बांटा गया है सब लोग को। और सब लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, पहले रहवासी लोगों को दिखा देता हूँ। हेलो सर। सभी लोग को दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माता जी लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं सभी माता जी को मैं ब्लॉग के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे माता जी आए हैं। हेलो, नमस्कार, नमस्ते आंटी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माता जी आए हैं, जो कि उद्घाटन है आज यहाँ का जरीमरी माता टेम्पल्स का। और इसी टेम्पल्स के उद्घाटन में सभी महिला लोग यहाँ पे, सभी लोग यहाँ भक्त लोग आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे दान या पुण्य जो भी आपको देना चीज़ रहेगा आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्राउड है, मुझे लेट हो चुका है। और दिलीप मामा भी यहाँ पे आए थे। कहा जाता है कि यहाँ पे छतरी वगैरह भी
दिए गए हैं बारिश के टाइम पे। और चलते हैं गाइस मंदिर के तरफ और सभी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के जरिए विस्तार से दिखाते हैं। थैंक यू। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यही मंदिर है चेरीमरी का, और देख सकते हैं यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे दिलीप मामा आके चले गए हैं। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, बारिश का मौसम है गाइस, देख सकते हैं हाथ में छाता भी है। और चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ, प्रवेश करेंगे और सभी वहाँ पे मंदिर का सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और गाइस आप लोगों का आवाज़ नहीं क्लीन आवाज़ आता रहेगा तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो चल रहे हैं इसकी वजह से। चलते गाइस मंदिर की तरफ, वहाँ पे जितने भक्त लोग हैं क्या कर रहे हैं सभी चीज़ें विस्तार से मैं दिखाने वाला हूँ। और साथ में देख सकते हैं यहाँ के सभी रहवासी लोग हैं। यहाँ पे सभी भक्त लोग यहाँ पे पूजा पाठ करके जा रहे हैं, जो कि ये जो आपको यह पेड़ दिख रहा है ये पीपल का पेड़ है, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। यहाँ पे महादेव जी का यहाँ पे पूजा होता है और साथ ही साथ आप लोग को महादेव जी का दर्शन करा देता हूँ लाइव दर्शन। देख सकते हैं गाइस कमेंट करें हर हर महादेव करके, देख सकते हैं महादेव जी का यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यह मंदिर है, देख सकते हैं आप लोगों को मंदिर का सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दिलीप मामा जाके दिलीप मामा लांडे जो कि यहाँ पे आधा घंटा पहले यहाँ पे आए और चले गए हैं, मेरे को लेट हो गया बारिश की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं श्री चेरीमरी देवी मंदिर ट्रस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं दिलीप मामा यहाँ के सभी चीज़ें, यहाँ पे जो मंदिर का कार्यक्रम होता है सभी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ माता जी को भी दिखा दे रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ के सभी रहवासी लोग हैं जो कि देख सकते हैं गाइस मैं सभी लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और चलते हैं गाइस जल्दी से जल्दी मैं मंदिर के अंदर का सभी चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं मंदिर की तरफ अंदर प्रवेश करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने यहाँ पे शिव जी का मैं दर्शन करा दिया हूँ। और साथ में देख सकते हैं यहाँ के रहवासी लोग हैं सभी लोग, यहाँ रहवासी लोगों को मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बारिश के मौसम में यहाँ पे उद्घाटन हुआ चेरीमरी माता टेम्पल्स करके, यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसका मनोकामना पूरा होता है। और चलते गाइस मंदिर के तरफ, और जस्ट गाइस देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे जस्ट मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ गाइस। और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ शिव जी है जो कि मंदिर के जस्ट बाहर है, यहाँ पे शिवलिंग है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे चलता हूँ मंदिर की तरफ, और यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ था यहाँ पे अंदर एंट्री मैंने कर दिया हूँ। और जस्ट देख सकते हैं यह चेरीमरी माता का टेम्पल्स है जो कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर बन चुका है। इसका उद्घाटन था जो कि दिलीप मामा ने उद्घाटन इसका किया गया करके गए, और मैं मिस हो गया बारिश की वजह से, मैं दूसरी जगह शूट कर रहा था तो इसकी वजह से मैं अभी जस्ट मुझे टाइम मिला यहाँ पे आया हूँ। और मैं इसी चेरीमरी में रहता हूँ, मेरा एरिया है, और मैं इस माता जी का दरबार में मैं आया हूँ, सभी भक्त लोग से बात भी कराऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सत्यनारायण का पूजा, यहाँ पे शिव जी का, यहाँ पे सभी भगवान जी का यहाँ पे पूजा पाठ किया गया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, और ये देख सकते हैं हमारे डीजे जो यहाँ ऑपरेटर है उनको भी दिखाता हूँ। और साथ ही साथ चलते हैं अंदर, देख सकते हैं मौसी यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे मौसी काम करती है, मंदिर 2005। और मौसी मेरे को पहचानती है, एक बार विजिट किया था मैंने, मौसी मुझे तिलक लगाई थी, और मौसी का आशीर्वाद रहे ऐसे ही बना रहो, हर साल माता जी का आशीर्वाद से मैं यहाँ पे विजिट करते रहूँ। चलिए माता जी अंदर चलते हैं, नमस्ते नमस्ते। और चलते गाइस देख सकते हैं माता जी मेरा हाथ पकड़ी है और प्रेम से मेरे को अंदर लेके जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ माता जी मेरे को तिलक लगा दिए है, और साथ ही साथ माता जी भी तिलक मेरे को लगा रहे हैं, मैं कल वीडियो लेना चाहता हूँ, थैंक यू धन्यवाद। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं सभी भक्त लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए,
और बहुत भीड़ रहता है, मंगलवार ज्यादा भीड़ रहेगा। कभी अभी आने वाला मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को। ओके ओके ओके। लेकिन आज भीड़ रहेगा, भीड़। आज उद्घाटन था, कौन कौन आया था यहाँ पे? सब लोग आया था। दिलीप मामा आए थे, आए थे, दिलीप मामा चढ़ाए, कलश चढ़ाए ऊपर, ऊपर कलश चढ़ाया, कलश चढ़ाया। हाँ। और छतरी वगैरह कुछ दिए? सब छतरी साड़ी बीड़ी पेड़ा बीड़ा सब बांटा, बांटे। ओके ओके, बहुत ही बहुत। और साथ ही साथ में गाइस देख सकते हैं, एक नंबर कर रहा है, मंदिर का काम एक नंबर करता है दिलीप मामा। देख सकते हैं गाइस, हमारे जो दिलीप मामा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ से मैं वीडियो बनाया था, कम से कम मुझे 6 से 7 महीना पहला मैं जब यहाँ पे वीडियो बनाया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब मैंने दिलीप मामा से बात किया था कि यहाँ पे कुछ मंदिर के ऊपर कुछ कुछ काम करिए। और यह प्राचीन मंदिर है जनीबरी माता टेम्पल्स, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ऊपर गाइस, ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कलश का भी इस वीडियो के जरिए मैं दिखाऊंगा कि जो दिलीप मामा ने कलश आज बैठा है, आज उद्घाटन हुआ है, वो कलश भी आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहला मैं आप लोगों को माता जी का सबका चीज दिखा दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव दर्शन दिखाता हूँ, जरी मरी माता जी का, वहाँ का आपको लाइव दर्शन, देवी माता। और यहाँ पे जो भी गाइस आता है मनोकामना उनका पूरा होता है, सब होता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है यह झरीमरी का, 14 पीढ़ी। सोच लीजिए, माता जी बोल रहे हैं 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी का ये है। और माता जी ने बता दिया कि 2005 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान का सेवा कर रही है और सब चीज कर रही है। और गलों में देख सकते हैं रुद्रास, जो कि भोले बाबा का माला, दुर्गा माता का, भवानी भवानी माता का, भवानी माता का वो है। आप लोग पूजा करिए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं? और फाइनली गाइस यहाँ पे सभी यहाँ भक्त लोग आए थे पूजा करने के, और साथ ही साथ गाइस में यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को माता जी का, मैं आप लोगों को यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ सभी माता जी का जो चेहरा है, जो टीका लगाया हुआ है, थोड़ा सा वो है, वो क्लियर कर रही है माता जी। और बहुत ही बहुत उनके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ गाइस सभी जी, हाँ दोनों जन रहते हैं, आप कभी से हो? मैं मेरे साथ करके 40 साल। 40 साल, हाँ। तो देख सकते 40 साल से माता जी यहाँ पे काम करती हैं, 2005 से माता जी यहाँ पे काम करती हैं। और मैं इसी एरिया में रहता हूँ, सफेदपुर जरीबरी में, और मेरा फर्ज है कि मेरे चैनल पे मेरे माता जी का वीडियो अपलोड हो। तो मैं चलता हूँ गाइस, अभी फाइनली मैं आप लोगों को यहाँ का सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट में लिखना जय माता दी। तो चलते हैं गाइस, मैं फाइनली अभी मैं खड़ा हो चुका हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ का सभी चीज़ें मैं आपको सिनेमेटिक्स दिखा देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे माता जी का मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव दर्शन लीजिए गाइस। यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ में देख सकते हैं यहाँ माता जी का मैं आपको आप लोगों को, और साथ ही साथ यहाँ पे जोत का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे टीका, और यहाँ पे नारियल के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं उनका सिंगार है, सिंगार के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जोत जल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे माता जी का, जरी मरी माता जी का यहाँ पे, हाँ सब ओके ओके ओके। और माता जी का सभी भक्तों पे आशीर्वाद रहे, अच्छे से मनोकामना माता जी पूरा करें। और मैं आप लोगों को लाइव दर्शन करा रहा हूँ गाइस, प्लीज आप कमेंट में लिखे जय माता दी। और प्लीज अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है जरी मरी यहाँ पे मंदिर पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके तो मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, यहाँ का एड्रेस दूंगा। और माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए, यहाँ से
कुरला। कितना कितना तारीख को निकलेगा? 4 तारीख। 4 तारीख को पालकी, यही 4 तारीख को। ये 4 तारीख को गाइस फाइनली पालकी निकलने वाला है, और यहाँ के सभी रहवासी बच्चे लोग हैं, सभी लोगों को ब्लॉग के जरिए मैं दिखा रहा हूँ प्लीज। अच्छा, मंगलवार को आता हूँ आपको सबको, तो देख सकते हैं माता जी बोल रहे हैं मंगलवार को विजिट करने के लिए, मैं आपको से यहाँ पे विजिट करूँगा। ओके ओके, माता जी आशीर्वाद दीजिए, माता जी मुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं माता जी के साथ साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, माता जी मेरे को दोनों जन आशीर्वाद दिए। बच्चे लोग बाय बाय, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बहुत अच्छा लगा आप लोग को भी, सभी लोगों को माता जी का आशीर्वाद रहे, आप लोग का परिवार खुश रहे, अच्छे से रहे, और माता जी आपसे मेरा विनती है कि सभी भक्त लोगों के ऊपर कोई भी कष्ट आने ना दे, और सभी अच्छे से प्रेम से भावना से परिवार के साथ अच्छे से रहे। तो चलते हैं गाइस, जो हमारे दिलीप मामा ने कलश बैठाया हुआ है, और उस कलश के पास चलूंगा और कलश दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बारिश चल रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को मैं कलश का चीज मैं दिखाने वाला हूँ। ओके बाय 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 बाय, एक बार बाय बाय बाय। देख सकते हैं भक्त लोग आ रहे हैं अभी भी, सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ओके 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 मौसी, बाय बाय मौसी, बाय 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 बाय। अभी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे माता जी का मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव दर्शन लीजिए गाइस, यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, और साथ ही साथ में देख सकते हैं यहाँ माता जी का मैं आपको आप लोगों को, और साथ ही साथ यहाँ पे जोत का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे टीका, और यहाँ पे नारियल, नारियल के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं उनका सिंगार है, सिंगार के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जोत जल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे माता जी का जरी मरी माता जी का यहाँ पे सब। ओके ओके ओके, और माता जी का सभी भक्तों पे आशीर्वाद रहे, अच्छे से मनोकामना माता जी पूरा करें, और मैं आप लोगों को लाइव दर्शन करा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ आप कमेंट में लिखे जय माता दी, और प्लीज़ अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है जरी मरी यहाँ पे मंदिर पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मुझे मैं आप लोगों को कमेंट करें तो मैं आप लोगों को मैसेज करूँगा, यहाँ का एड्रेस दूंगा, और माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ से कुरला कितना कितना तारीख को निकलेगा? 4 तारीख। 4 तारीख को पालकी, यही 4 तारीख को। हाँ, ये 4 तारीख को गाइस फाइनली पालकी निकलने वाला है, और यहाँ के सभी रहवासी बच्चे लोग हैं, सभी लोगों को ब्लॉग के जरिए मैं दिखा रहा हूँ प्लीज। अच्छा, मंगलवार को आता हूँ आपको सबको, तो देख सकते हैं माता जी बोल रहे हैं मंगलवार को विजिट करने के लिए, मैं आपको से यहाँ पे विजिट करूँगा। ओके ओके, माता जी आशीर्वाद दीजिए, माता जी मुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं माता जी के साथ साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, माता जी मेरे को दोनों जन आशीर्वाद दिए। बच्चे लोग बाय बाय, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बहुत अच्छा लगा आप लोग को भी, सभी लोगों को माता जी का आशीर्वाद रहे, आप लोग का परिवार खुश रहे, अच्छे से रहे, और माता जी आपसे मेरा विनती है कि सभी भक्त लोगों के ऊपर कोई भी कष्ट आने ना दे, और सभी अच्छे से प्रेम से भावना से परिवार के साथ अच्छे से रहे। तो चलते हैं गाइस, जो हमारे दिलीप मामा ने कलश बैठाया हुआ है, और उस कलश के पास चलूंगा और कलश दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बारिश चल रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को मैं कलश का चीज मैं दिखाने वाला हूँ। ओके बाय 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 बाय, एक बार बाय बाय बाय। देख सकते हैं भक्त लोग आ रहे हैं अभी भी, सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ओके 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 मौसी, बाय बाय मौसी, बाय 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 बाय। अभी चलते हैं गाइस कलश के तरफ, ये मन के अंदर बात करें। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मैं मंदिर के जस्ट बाहर आ चुका हूँ, अब चलूंगा जो दिलीप मामा ने कलश बैठा है, उस कलश को आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, और चलते हैं गाइस फाइनली। अभी ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी चढ़ के मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, और बहुत ही संभाल के, क्योंकि बारिश का टाइम है, स्लिप भी हो सकता हूँ,
और गाइस चलते हैं आराम आराम से, और मैं आपको कलश का इस वीडियो का जरिए मैं आप लोगों को कलश दिखाता हूँ, जो कि दिलीप मामा यहाँ पे एक घंटा पहले आके जा चुके हैं, जो कि मैं उनके टाइम पे मैं यहाँ पे विजिट नहीं था, इसकी वजह से गाइस मैं दिलीप मामा को नहीं दिखा पाया मैं। और चलते हैं, दिलीप मामा ने जो कलश बैठाया है इस मंदिर में जरीमणि माता टेम्पल्स में, चलते हैं गाइस, उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए। बहुत ही डेंजरस सीढ़ी है, और वो भी लोहे का सीढ़ी है गाइस, और साथ ही साथ मेरे को कैमरा और साथ ही साथ छतरी है मेरे हाथ में, और मैं पैर में चप्पल भी नहीं पहना हूँ, और साथ में अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को कलश दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही यहाँ पे देखते हैं कि कलश मामा ने जो बैठाया है वो कलश के बारे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सभी सोसाइटी में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सोसाइटी है बहुत ही, यहाँ पे ज़्यादातर अधिकतर 80% यहाँ पे यूपी वाले रहते हैं। और जस्ट देख सकते हैं सामने यह मंदिर का टॉप पे आ चुका हूँ, और चलते हैं कलश के ऊपर कलश दिखाने के लिए, और चलते हैं ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा और बचा है मेरे को, 4-5 सीढ़ी चढ़ना है और ऊपर की तरफ आप लोगों को मैं वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को कलश का मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मस्त आ चुका हूँ, जस्ट देख सकते हैं एकदम ऊपर आ चुका हूँ मैं, और फाइनली गाइस अभी आप लोगों को मैं कलश दिखाने वाला हूँ। कलश बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और वहाँ पे कोशिश करूँगा मैं चढ़ने के लिए, और कलश दिखाऊँगा और आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैं एकदम माता जी का जो टेम्पल्स में जो कलश बैठा है टॉप पे आ चुका हूँ, और चलते हैं गाइस मैं आप लोगों को सभी चीज़ें मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूँ। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मैं बहुत ही ऊपर आ चुका हूँ, और बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आगे एयरपोर्ट है जो कि मैं दिखा सकता हूँ, ये पूरा चौल है, और जस्ट मंदिर के ऊपर एकदम आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भगवा आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे झंडा दिख रहा है, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे एयरपोर्ट है, और गाइस यह हमारा एरिया है, और चलते हैं गाइस आपको कलश दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस ये कलश है देख सकते हैं, जो कि यह कलश से देख सकते हैं अभी जस्ट आज मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो कि मंदिर नीचे की तरफ है, और मैं कलश के ऊपर जस्ट आया हूँ, और देख सकते हैं गाइस आप जो कलश दिखा रहा हूँ कितना हाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और किस सीढ़ी से मैं गुजर के आया हूँ गाइस, और साथ में छाता के साथ साथ गाइस यहाँ पे कैमरा लेके मैं ऊपर आया हूँ, और यही कलश है देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत कलश है, और इस कलश का मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे यह कलश हमारे मंदिर के अंदर, यहाँ पे दिलीप मामा ने कलश को इस स्थापित किया गया है किए हैं, और दिलीप मामा फिलहाल चले गए हैं, और यहाँ का सभी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैंने कलश भी दिखा दिया हूँ, और चलते हैं गाइस नीचे की तरफ, और सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैं दिखाऊँगा। और देख सकते हैं गाइस ये मुंबई का नज़ारा, बारिश 3-4 दिन से हो रहा है गाइस, काफ़ी जगह पानी भर चुका हुआ है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं गाइस आगे एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट का भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस यहाँ पे, और चलते हैं गाइस बारिश ज़्यादा है, मेरा कैमरा भीग जाएगा जिसकी वजह से, और मैं झंडे को भी दिखा सकता हूँ, झंडा देख सकते हैं यहाँ पे, और यह कलश है, और साथ ही साथ चलते हैं गाइस नीचे की तरफ। फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ के रहवासी लोग जरीमणि माता टेम्पल्स, और यहाँ पे देख सकते हैं सभी रहवासी लोग, जस्ट मैंने कलश दिखा के जस्ट नीचे उतर रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सभी रहवासी लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया, जोर से बोलिए सर, बहुत ही अच्छा काम किया हमारे इधर मंदिर में, पहले चीजें नहीं थी, बहुत कुछ भी नहीं था, बहुत सारी चीजें वो लाके दिए मंदिर जो इतने सालों से बना रही, मंदिर का उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, फर्स्ट टाइम उन्होंने एमएलए बना, उसके बाद इतना अच्छा खासा काम, बहुत अच्छा खासा काम दिलीप मामा ने किया, नसीम खान सर यहाँ पे आते हैं, नसीम खान यहाँ पे कभी विजिट किए, कोई नसीम खान नहीं किए हैं, सिर्फ दिलीप मामा ने जो कर रहे हैं,
ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो देख सकते हैं गाइस फाइनली सभी यहाँ के बच्चे लोग को भी लेना चाहता हूँ ब्लॉग के जरिए। और ये माता जी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ बोलना चाहते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। और देख सकते हैं गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता की, जय जय माता की, जय। देख सकते हैं गाइस यहाँ का प्यार मोहब्बत और यहाँ जरी मरी माता जी का जो यह मंदिर पे जो डेवलपमेंट हुआ है, जो कि हमारे दिलीप मामा ने ओके 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 साड़ी भी दी है, छाता वगैरह भी दिए ना सबको। अच्छा अच्छा काम किया। छाता कौन सा है? छाता छाता दिखा सकते हैं, छाता दिखा सकते हैं, दिलीप मामा का छाता दिखा सकते हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे छाता बांटे गए हैं, हर घर को छाता दिया गया है। देख सकते हैं गाइस, मैं दिलीप मामा को दिखा सकता हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं साथ ही साथ दिलीप मामा बहुत ही बहुत, सब लोग यहाँ के जितने भी रहवासी हैं सभी लोग दिलीप मामा को बहुत ही ज़्यादा फैन है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोग कैसा बोलते हो? जय माता दी। कैसा लगा मैं आया हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। ओके ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पे सभी मैंने रहवासी लोगों को दिखा दिया हूँ, साथ में क्लस दिखा दिया हूँ और साथ ही साथ मैं इंटरव्यू करा दिया हूँ और माता जी का टेम्पल साथ ही साथ वहाँ पे क्लस मैंने दिखा दिया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ मेरा दूसरा विजिट है, मैं पहला विजिट किया था यहाँ पे, काम कुछ भी नहीं किया गया था यहाँ, कुछ भी काम नहीं किया गया था। तो मैं तो उन्होंने किया सब चीजें। ओके ओके ओके, कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो? जय माता दी, जय माता दी। छतरी मिला कि नहीं आपको? मिला मिला। साड़ी? साड़ी नहीं मिला, लेडीज नहीं हो ना इसलिए, लेडीज को मिला। थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला? साड़ी मिला? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छोट कल वीडियो आएगा 4 बजे, कल वीडियो 4 बजे आएगा, आ जाए 378। ओके बाय 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 बाय। जोर से बोलो, हम मामा सपोर्टर है। हाँ, मामा ने ये मंदिर बनाया, अच्छा है और हम मामा के सपोर्टर रहेंगे। जय माता दी। और दिलीप मामा का छतरी है? कहाँ है, कहाँ है दिलीप मामा का? घर पे रखा, अभी हम भीगे हुए। अच्छा भीगे, बरसात का, बरसात का मजा ले रहे हैं? बहुत बरसात, बहुत ही बरसात का मजा ले रहे हैं। आज वो पूर्णिमा है। हाँ पूर्णिमा है, पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ है। ओके ओके ओके, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग को भी जय माता दी। बहुत ही खुश दिख रहे हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत ही खुश दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय।